जी नमस्ते भैया, थैंक यू भैया, नमस्ते एवरीवन। सो आज निरुपम दीदी भी शेयर करने वाली हूँ, तो कुमार भैया नमस्ते, क्या शेयरिंग शुरू कर सकते हैं? निरुपम दीदी अवेलेबल है, देख लेती हूँ मैं जी भैया। जी बिल्कुल जी जी लो शेयरिंग शुरू कर लेते हैं। जी भैया जी, धन्यवाद भैया। निरुपम दीदी नमस्ते नमस्ते। दीदी। जी नमस्ते दीदी जी जी। दीदी, दीदी का स्वागत है। दीदी यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा रांची से हैं। वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर है ईसीई में। दीदी ने वर्कशॉप फेस टू फेस अटेंड किया हुआ है यहीं 2019 में, और दीदी पीपीआई में जो ऑनलाइन वर्कशॉप है उसमें पार्टिसिपेट भी कर रही हैं एज अ वॉलंटियर। तो दीदी आपका स्वागत है धन्यवाद जी, दीदी। नमस्ते। नमस्ते दीदी। नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते सभी को एक्सप्लोरर्स को। जैसा कि दीदी ने बताया, मैं निरुपम, यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं इसी डिपार्टमेंट में कोर्स कोऑर्डिनेटर के अलावा अपने संस्थान के हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल में असिस्टेंट वार्डन की एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लंबे समय तक देख चुकी हूँ। व्यक्तिगत तौर पर परिचय पर मैं बताना चाहूंगी कि मेरा जन्म व लालन पालन पटना पटना सिटी पटना बिहार में हुआ। मेरे पिताजी बिहार सरकार की प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। अतः शिक्षण क्षेत्र में आने की प्रेरणा मुझे अपने घर से ही मिली। एक भाई व दो बहनों में मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे वर्तमान कार्यालय में मैंने 2009 में ज्वाइन किया था। बस 2012 में मेरा विवाह बिहार के ही नालंदा जिले के गांव में हुआ। विवाह के 10 वर्षों के बाद मैं यह अनुभव कर पाई कि अपने कार्यालय में विभिन्न एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज का निर्वहन करते हुए भी मैं अपने पीएचडी के कोर्स वर्क में 9 SGPA प्राप्त कर पाई, जो कि मेरे बैच जनवरी 2022 का हाईएस्ट स्कोर था। बीआईटी मेसरा के सभी एक्सटेंशन सेंटर्स व सभी डिपार्टमेंट्स को भी कंसीडर करते हुए, और यह सब मेरे जीवन में बस इसलिए संभव हो पाया क्योंकि मेरे पति देव ने मुझे घर पर मेरी छोटी बिटिया की जिम्मेदारी से लगभग मुक्त मुक्त कर रखा था। हम लोग यहाँ, मेरे हस्बैंड, मेरी 7 लगभग 7 वर्ष की बिटिया के अलावा मेरे पिताजी, अभी हम लोग सब साथ रहते हैं पॉलिटेक्निक बीआईटी मेसरा के ही कैंपस में। अब मैं यह बताना चाहूंगी कि सुबह के सत्र को अटेंड करते हुए मुझ में मेरी समझ में कितना बदलाव हुआ। सो पहले मैं मानव, मुख्य रूप से मैं के बारे में मेरी समझ में कितना बदलाव आया इस पे बात करते हैं। जैसा कि दीदी ने बताया, मैंने सबसे पहली बार FDPSI का फेस टू फेस वर्कशॉप बीआईटी मेसरा में ही दिसंबर 2019 में अटेंड किया था, और तभी मानव के शरीर व मैं के सह अस्तित्व में होने की बात मैं जान पाई थी। पुनः जुलाई 2022 में ऑनलाइन UHV1 में सम्मिलित हुई तथा पहली बार तारा प्रसन्ना भैया के पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज पर मॉर्निंग सेशन से नवंबर में जुड़ पाई। लेकिन चूंकि मैं पीएचडी में रजिस्टर्ड थी और पीएचडी का दबाव महसूस करते हुए मैं मॉर्निंग सेशंस अटेंड नहीं कर पा रही थी, मार्च 2000 मतलब नियमित रूप से अटेंड नहीं कर पा रही थी। मार्च 2023 में कुमार संभव भैया का ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें बताया गया था कि मैंने ऑनलाइन FTP में सक्रिय भागीदारी निभाई, इसलिए मुझे 30 मार्च 2023 के बैच में ज्वाइन करने के लिए मुझे इनवाइट किया गया था। अप्रैल 2023 में मैंने वॉलंटियरिंग के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की, और इसी अप्रैल महीने में किसी कारणवश मैं काफी परेशान हो गई अपने कार्यालय में। दरअसल मेरी सेल्फ की व्यवस्था बिगड़ रही थी धीरे धीरे। मैं 1.5 महीने में 2 बार अपने डायरेक्टर सर के ऑफिस में बाकी कुछ और फैकल्टीज के सामने इमोशनल ब्रेकडाउन हो चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी ऐसा, लेकिन मेरी आंखों से झर झर आंसू गिर रहे थे। स्वयं को थामने की कोशिश में मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी, लेकिन मेरी अश्रु ग्रंथियां मेरा साथ नहीं दे पा रही थी। दरअसल मैं दिसंबर 1995 से
बाइपोलर डिसऑर्डर यानी मूड डिसऑर्डर की मानसिक बीमारी से जूझ रही हूँ। नौवीं क्लास की वार्षिक परीक्षा से लेकर आज तक मैं दवाइयों की सहायता से इसे सफलतापूर्वक मैनेज करती आई हूँ। अप्रैल 2023 में मेरे पुनः बीमार थोड़े दिनों के लिए मेरे बीमार होने के बाद मैंने यूएचबी 2 अटेंड किया पैनलिस्ट के रूप में 24-29 अप्रैल 2023 वाला सेशन, और तब मैं अपने सेल्फ में अपने शिफ्ट को व्यवहारिक रूप से देख पाई। पहले केवल तथ्यों के आधार पर मैं अपनी ईमानदारी या निर्दोष भागीदारी को देख पा रही थी, और शायद इसीलिए मेरी आंतरिक व्यवस्था असंतुलित हुई चली जा रही थी। परंतु यूएचबी 2 के बाद अटेंड करने के बाद मैंने अपने इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट के नजरिए से देखना शुरू किया, और मुझे अपने डायरेक्टर सर की व्यवस्था साफ साफ नजर आई। और यह तभी हुआ क्योंकि और यह मेरे शिफ्ट इन सेल्फ के द्वारा ही देखना संभव हो पाए। अब मैं प्रकृति में के लिए मेरी समझ में कैसे बदलाव आया इस पे या इसको एक प्रैक्टिकल उदाहरण से बताना चाहूंगी। मई 2023 में मेरे सगे देवर जी का विवाह था, और उस समय मैंने अपने लिए कोई भी नया कपड़ा नहीं खरीदा क्योंकि मेरे पास एक नई बनारस से साड़ी पड़ी थी पहले से ही, और भी कई अच्छी एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी थी जो बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन हाँ इतनी अच्छी जो थी कि मैं शादी के विभिन्न रस्मों में मैं पहन सकती थी। अतः मुझे लगा मुझे प्रकृति पर अब और बोझ नहीं डालना, और मैंने सचमुच अपने लिए नए कपड़े खरीदने की मुझे आवश्यकता ही नहीं महसूस। अस्तित्व के बारे में मेरे विचारों में बदलाव अगर कोई बहुत ज्यादा तो नहीं, बट हाँ इतना जरूर है कि अब मैं अगर 1-1.5-2 किलोमीटर तक चलना होता है तो मैं पैदल चलना प्रेफर करती हूँ। 4-5 किलोमीटर तक जाना है अगर बहुत तेज अगर बारिश नहीं हो रही है तो मैं कोशिश करती हूँ कि कार से ना जाकर स्कूटी से हम लोग जाएं। मानवीय आचरण के संबंध में मेरा शिफ्ट हुआ उस पर मैं यह शेयर करना चाहूंगी कि मैं महसूस कर पा रही थी कि जनवरी 2023 से लेकर 15-17 अप्रैल 2023 तक जो मैं अपना इमोशनल आउटबर्स्ट की बात कर इमोशनल ब्रेकडाउन की बात कर रही थी, तब तक मैं कई बार आउटबर्स्ट हो चुकी थी अपने ही कई कलीग्स पर। हालांकि स्टूडेंट्स के साथ मेरा कॉर्डियल रिलेशनशिप बना हुआ था, क्लास में मैं काम एंड कंपोज रहती थी, बट काम के दबाव में पता नहीं मैं कई बार बाकी आउटबर्स्ट हो चुकी थी, लेकिन यूएचबी 2 के बाद मई 2023 जो कि 24-29 अप्रैल मैंने अटेंड किया, मई 2023 से आज तक मैं किन्हीं पर भी आउटबर्स्ट नहीं हुई। यह मेरा मानवीय आचरण में मैं अपने बदलाव को देख पा रही। अभ्यास 1 तथा अभ्यास 2 में क्या समझ पनी? स्टेप 1 मैं अपनी कल्पना इच्छा भावना विचार आशा का अवलोकन कर पा रही हूँ। स्टेप 2 मैं यह भी देख पाती हूँ कि मुझे कौन सी इच्छा भावना विचार या आशा की सह स्वीकृति है, किस भाव या कल्पना की निरंतरता मैं चाहती हूँ और किसकी नहीं, मैं इसे स्पष्ट रूप से देख पा रही हूँ। स्टेप 3 अपनी भावना के साथ मैं सहज हूं या नहीं, संगीत में हूं या नहीं, व्यवस्था में हूं या नहीं, यह भी मैं देख पाती हूँ। स्टेप 4 मैंने महसूस किया है कि अपने कार्यालय की जिस घटनाक्रम का संक्षेप में मैंने जिक्र किया उस समय भाव का निर्धारण दरअसल मैंने स्वयं किया था। स्टेप 5 पूर्ण रूप से समझ नहीं विकसित थी मेरी, कहीं ना कहीं एजम्पशन के पूत थे मेरे अंदर। दरअसल मैं IIT दिल्ली के समर फैकल्टी रिसर्च फेलो 2023 में चयनित हुई थी। डिपार्टमेंट से या हमारे पॉलिटेक्निक के डायरेक्टर सर के द्वारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी फॉरवर्ड किया गया था। हालांकि वर्बल कंडीशन थी कि NBA की विजिट रहे कि इस दौरान तो मुझे कॉलेज में ही रहना है या फिर नहीं जाना है, जिसे मैंने पूरे हृदय से स्वीकृति दे दी थी। रजिस्ट्रार सर से NOC सर्टिफिकेट इश्यू होने के बाद मैं IIT दिल्ली को फरवरी में ही एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इसे भेज चुकी थी। उस समय हमने NBA SAR सबमिट करने के बाद विजिट का जो डेट्स दिया था NBA को, उसमें पहली तिथि हमने 5-7 अगस्त दिया था, जबकि IIT दिल्ली का समर फैकल्टी रिसर्च फेलो स्कीम 16 मई से 14 जुलाई तक ही था। लेकिन 17 अप्रैल को मुझे
आईआईटी दिल्ली जाने से रोका गया भरवली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं आईआईटी दिल्ली को अब कैसे मना करूं ऑन कैंपस रिपोर्ट करने से। मेरे बार बार विश्वास दिलाने के बावजूद कि मैं अपना निर्धारित कार्य आईआईटी दिल्ली में भी रहकर 2 से 3 घंटे प्रतिदिन समर्पित करके करती रहूंगी नियमित रूप से, मैं कन्विंस नहीं कर पाई थी अपने सर को, और मैं अंततः भावनात्मक रूप से टूट गई थी उसने। इन मॉर्निंग सेशन की इन एक्सरसाइजेज ने मुझे अवगत कराया कि हमारे डायरेक्टर सर भी दरअसल दबाव में रहे होंगे, अपने ऊपर के मैनेजमेंट यथा वाइस चांसलर, उन्हें भी परेशानी हो रही होगी कि इसी ई में बस हम 3 ही तो फैकल्टी हैं पॉलिटेक्निक में, मैं चली जाऊंगी तो कार्य में तथाकथित रूप से व्यवधान आ जाए। इसे मैं यूएचबी सेशन को अपने जीवन में ढालने की कोशिश में ही देख पाई, अन्यथा मैं तो केवल अपने बारे में ही सोच रही थी, अपने डायरेक्टर से की परेशानी को देख ही नहीं पा रही थी। स्टेप 6, यह तो मैं अपने सोच से देख ही पा रही हूँ कि मुझे संबंधों का भाव, व्यवस्था में होना व सह अस्तित्व ही सह स्वीकार्य है। मैंने भी संबंध व्यवस्था या संगीत में होने तथा सह अस्तित्व की समझ विकसित करने की आवश्यकता को समझा है। कुछ तो जीवन में ढाल भी चुकी हूं, लेकिन यह जीवन में हर पल हर क्षण बना रहे इसके लिए भी मुझे बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। पुनः मुझे पूर्ण रूप विश्वास है कि आगामी मॉर्निंग सेशन के बैच में जब अभ्यास 1 तथा अभ्यास 2 की विस्तृत चर्चा की जाएगी, मेरी समझ और भी परिपक्व होती जाएगी धीरे धीरे इस संबंध। स्टेप 7, मैं अपनी भावनाओं का सही सही अवलोकन कर पा रही हूँ तथा वह भावना जो मुझे अंदर से उद्वेलित कर देती है उसे सहज ही अपने मन से त्याग देने का निश्चय मैं कर चुकी हूँ। जी भैया व दीदी, मैं समझ पा रही हूँ कि संबंध व्यवस्था तथा सह अस्तित्व को पूर्ण रूप जीवन में ढालने की आवश्यकता है मुझे, और अब मैं अपनी उन भावना विचारों को चयनित कर पाती हूँ जिनसे मैं आराम में बनी रह सकूं तथा निरंतर सुख का आस्वादन कर सकूं। एक्सरसाइज 2, शरीर का अवलोकन व स्व और शरीर में हो रही सूचना अंतरण का अवलोकन स्व के द्वारा। यूएचबी सेशन के द्वारा मैं यह समझ पाई हूँ कि स्व तथा शरीर का सह अस्तित्व हूँ मैं। स्व मैं जो कि चैतन्य है तथा शरीर जो कि जड़ है। मैं शरीर को सूचना प्रदान करता है जबकि शरीर के द्वारा मैं को संवेदना का आभास या अनुभव होता। स्टेप 1, मैं यह अपने अंतःकरण से पूर्ण रूप देख पा रही हूँ कि मेरा स्व तथा शरीर 2 अलग अलग वास्तविकता है। स्टेप 2, मैं यह भी देख पा रही हूँ कि मैं अपने शरीर को रोज सुबह निर्देश देती हूँ कि उठना है सुबह जल्दी, अपने स्व की विकास के लिए, अपने रिसर्च के द्वारा समाज या दुनिया की बेहतरी में अपना योगदान देने के लिए। मैं यह भी देख पाती हूँ कि रोज रात में मेरा शरीर दिन भर की ड्यूटी व अन्य कार्यकलाप के बाद थक जाता है तथा मुझे थकान का अनुभव होता है और मैं चाहकर भी अपने रिसर्च या पीएचडी के लिए रात में समय नहीं दे पाती। स्टेप 3, मैं यह भी देख पा रही हूँ कि कौन सी सूचना मुझे अपने शरीर को देनी है, यथा सुबह जल्दी उठना है या अभी और देर तक सोए रहना है, इसका निर्धारण या निर्णय मैं स्वयं करती हूँ। अपने शरीर में उठ रही किस संवेदना द्वारा मुझे खुद को संचालित करना है यह निर्णय भी मैं स्वयं ही लेती हूँ। जैसे कि अगर मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे मानिए चाउमीन मुझे दिखा, मुझे मेरे मन में आ रही इच्छा कि मुझे चाउमीन खाना है, बट मुझे ख्याल आता है कि नहीं यह मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे होलिस्टिक हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, सो ये चाउमीन या जो भी मेरा पसंदीदा भोजन है उससे प्राप्त हुई जो भी संवेदना है, बोलते हैं मुंह में पानी आ रहा है, उस संवेदना से मुझे दूरी बनाकर रखनी है, इसका निर्णय मेरा स्व ही करता है, मैं ही करती हूँ। स्टेप 4, बर्न, मैं संवेदना तो नहीं हूँ यह मैंने पाया है। स्टेप 4, 2, मैं संवेदना में हूँ जी, यह स्थिति अक्सर मेरे साथ बनी रहती है। स्टेप 4, 3, मैं संवेदना से दूरी बनाकर हूँ जी, अभी इस पर मुझे अभी बहुत कार्य करना है, यह भाव मेरे अंदर बस चंद लम्हों के लिए ही जीवन में आ पाता है। स्टेप 5, जी
या मैं बिल्कुल देख पा रही हूँ कि मैं बाहरी सृष्टि के साथ मेरा बर्ताव मेरी संवेदनाओं से नियंत्रित हो रही है, लेकिन मैं यह भी देख पाई कि अपनी संवेदनाओं को अर्थ मैंने ही दिया। जैसे कि मैं अपने और डॉक्टर सर के बीच में जो भी इंटरेक्शन हुआ था, मैं इमोशनल ब्रेकडाउन हुई थी, मैं उस घटना को रिकॉल करते हुए बिल्कुल देख पा रही हूँ कि उस समय अपनी संवेदनाओं को अर्थ मैंने ही दिया था। स्टेप 6, मैं संवेदना को कैसे अर्थ दे पाती हूँ? अपने संस्कार की भूमिका का अवलोकन। जब मैं अपने एजम्पशन यानी मान्यता के आधार पर संवेदनाओं को अर्थ देती हूँ, तो मैं मान लेती हूँ कि मेरे डायरेक्टर या कलीग्स मेरे विरोध में हैं, और मैं जवाब में प्रतिक्रिया ही देती हूँ, जैसे कि ऑफिस में मेरा रो देना या फिर कभी झल्ला जाना। जब मैं सही समझ के आधार पर अपनी संवेदनाओं को अर्थ देती हूँ, तो मैं हमेशा अपने जीवन साथी के प्रति जिम्मेदारी पूर्वक ही जवाब देती हूँ या क्रिया करती हूँ। दरअसल मैं और मेरे पति देव की पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा दीक्षा पर विचारों के स्तर में काफी अंतर था, अभी भी थोड़ा है। इस मूल अंतर होने के बावजूद हमारा दाम्पत्य जीवन एक बहुत ही सफल, सुखी, सौहार्दपूर्ण है। मेरे विवाह के 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं। विवाह के उपरांत जब पहली बार हम साथ रहने लगे, तभी से कुछ ऐसी बातें होती थी जो मुझे उन्हें कम्युनिकेट तो करनी है, क्योंकि वो बात मेरी समझ से मुझे उचित नहीं प्रतीत हो रही, लेकिन किन शब्दों में कम्युनिकेट करूं, किस लहजे में अपनी बात रखूं ताकि मेरे पति देव तक मेरी बात भी पहुंच जाए लेकिन उन्हें जरा भी बुरा भी ना लगे। यह मैं बहुत सोच समझ कर बोला करती थी, लेकिन हाँ, अब तो इतने वर्षों के बावजूद के बाद वह मुझे काफी हद तक जान गए हैं, और कई बार अब तो लापरवाही भी हो जाती है मुझसे इस संबंध में। शुरुआत में ध्यान रखती थी क्योंकि हम बिल्कुल एक दूसरे के लिए नए थे, अरेंज मैरिज है हमारी, बट अब लापरवाही हो जाती है, क्योंकि एक प्री कंडीशनिंग हो गई है कि वो मुझे जानते हैं, समझते हैं, मैं उनको समझती हूँ। लेकिन हाँ, उनको अपने जीवन साथी का अपने जीवन में मन से महत्व भी मैं स्वीकार कर पा रही हूँ। यदि मेरे पति थे किसी भी व्यवसाय या नौकरी में होते, तो 6-7 साल की बिटिया के साथ ना तो मैं कार्यालय में अपनी अहम भूमिका निभा पाती। दरअसल मई 2023 तक मेरे पास सबसे अधिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, नंबर्स में, संख्या में, अपने यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक में। ना तो मैं अपने कार्यालय में अहम भूमिका निभा पाती, ना ही पढ़ाई में आउट परफॉर्म कर पाती। ऐसा मैंने बताया कि मुझे हाईएस्ट मार्क्स कोर्स वर्क में मिले थे, BIT में सारे एक्सटेंशन सेंटर्स एंड सारे डिपार्टमेंट्स को भी एक साथ कंसिडर करते हुए मैं ऐसा ना कर पाती, ना ही सेल्फ लर्निंग के लिए स्वयं को समर्पित कर पाती। तो आज मैं अपने जीवन में जो कुछ भी कर पा रही हूँ, इसके इसके इसमें पूरा पूरा योगदान मेरे हस्बैंड का ही जाता है। स्टेप 7, मैं सुनने में हूँ, मेरा शरीर भी सुनने में है। सूचनाओं का आदान प्रदान सुनने के द्वारा ही हो रहा है। मैं इसे अच्छे से नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन हाँ, इसे समझने के लिए अभी भी मैं प्रयासरत अवश्य हूँ। 4 पॉइंट, मूल्यांकन के बिंदु। पिछले 4 महीनों में मेरे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। मुझ में सही समझ के विकास की सोच उत्पन्न हुई है। कमिटमेंट, सही समझ व सही भावना की विकास के लिए मैं कम से कम 2 घंटे तो समर्पित कर ही सकती हूँ। जैसे कि मैं मॉर्निंग सेशन जनरली इंग्लिश और हिंदी दोनों ही अटेंड कर लिया करती हूँ। रोज नहीं हो पाता, बट कोशिश होती है मेरी। करीब 25 नहीं तो महीने के 23 दिन मैं 2 घंटे लगातार बनी भी रह पाती हूँ। अपने वर्तमान जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए मैंने सप्ताह में कम से कम 2 से 3 घंटे सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने का वचन लिया है, जिसमें मैं 2 घंटे PPI के लिए वॉन्टरिंग कर लेती हूँ और 1 घंटे रजिस्ट्रेशन वर्क के लिए भी, कभी 50 कभी 100, जो भी जैसे रिक्वायरमेंट होती है मैं दे पा रही हूँ पिछले 1-2 महीने 1-1.5 महीने से। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर शेयरिंग थी दीदी आपकी स्टेप वाइज। तो कुमार भैया से सुन लेते हैं। भैया आप बात रखेंगे? जी दीदी, मेरी आवाज आ रही है? जी भैया, आवाज आ रही है। जी दीदी की शेयरिंग बहुत ही सहज रूप में रही, और जैसा उन्होंने पाया है अपने आप में, जो स्थिति को पाया है, बिल्कुल वैसा ही उन्होंने सहज रूप से स्पष्ट किया। और ये भी दिख रहा है कि पहले से स्वयं में समझने की एक प्रवृत्ति रही है,
उसका सहयोग मिल रहा है, साथ में ही एक पारदर्शिता के साथ, स्पष्टता के साथ अपनी बात को रखने का एक अभ्यास हो तो आपको आगे गति में सहयोग करेगा। थोड़ा बारीकी और बढ़ाने की जरूरत है ताकि सजगता हमारे भाव प्रति और बढ़े, और घटनाओं से पीछे जाकर वहाँ जो हमारे अपने संस्कार बने हुए हैं उस पर हम बारीकी से ध्यान दे पाए। और मुझे तारा भैया से पता लगा कि आप वीकली मीटिंग से भी आती रही है और आपने शेयरिंग भी रखी है और कंटेंट भी रखा है, ऐसा है क्या? जी जी भैया जी जी, तो बहुत अच्छा दीदी, आगे के लिए अच्छी संभावना है, आप इस निर्णय को बना रहे हैं और सुबह के सत्र में जुड़े रहे। आपने अभी इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप कितनी बार की? भैया इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप ऑनलाइन 4-8 जुलाई 2022 किया है, और 2019 में दिसंबर 2019 में बीआईटी मिश्रा में ही हुआ था, तो तब किया था, वो एफडीपी एसआई के नाम से होता था उस वक्त। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप PHP 2 का एक वर्कशॉप कर लें, और अवसर मिलता है तो ऑनलाइन भी एक बार इंट्रोडक्टरी कर लें तो कंटेंट को लेकर और क्लैरिटी भी हो जाएगी, और सुबह के सत्र में आप जुड़ रही हैं तो अपने प्रति एक सजगता बनती जा रही है। जी भैया धन्यवाद। वैसे भैया मैं एक बात बताना चाहूंगी कि चूंकि मैं वॉलंटियरिंग वर्क में मतलब PPI में करती हूँ, तो पैनलिस्ट के रूप में मेरे पास हमेशा आ जाता है लिंक, तो मैं बनी रहती हूँ सेशन के साथ जितना मुझसे संभव हो पाया। वैसे मैं आपकी बात को रखते हुए एक बार पार्टिसिपेंट के रूप में फिर से इंट्रोडक्टरी यूएचबी कोर्स करूंगी, बट हमारे यहाँ 15-17 सितंबर NVA की विजिट कंफर्म हो चुकी है, तो उसके बाद करती हूँ भैया। उसके बाद कर लीजिए, और फेस टू फेस वर्कशॉप कभी होता है तो आप एज एन ऑब्जर्वर या एक सहयोगी के रूप में भी आ सकती हैं, तो वहाँ पे आपका लोगों से मिलना भी हो पाएगा। और फेस टू फेस वर्कशॉप का जैसे BIT लिस्टनर आपने किया था, परंतु उसके बाद जो USB के तरफ से जिस तरह से हो रहा है उसको भी आप अटेंड कर पाएंगे तो और अच्छा रहेगा, आपकी गति में और सहयोग मिलेगा। बहुत अच्छी संभावना है दीदी, और इस सत्र के बाद भी आप एक बार कॉल कर लें तो आपकी और किस प्रकार से भागीदारी हो सकती है उसके ऊपर और विमर्श कर लें, बातचीत कर लेंगे। सर एक तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।